Hello dear learners, welcome back to Abhid Siksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abhid Siksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first RBI keeps repo rate on hold for food prices remain high. ठीक है, तो repo इस बार जो है monetary policy committee का जो है meeting हुआ है, आपको पता है हर 2 months के बाद एक बार जो है meeting होता है. So बाई मंथली जो है मीटिंग होती है, तो अभी अप्रैल महीने में जो है अभी मीटिंग हुआ है और उसमें रेपो रेट जो है सिमिलर रखा है, पता है सेम रखा है. सो वो देखेंगे हम. बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो. सो वी विल लुक इन टू दैट. सेकेंड इज एस्केलेशन लैडर, इट्स अबाउट ईरान एंड इसराइल. ठीक है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और थोड़ा सा लोकेशन हम एक बार रिविजन करेंगे. बहुत अच्छा आर्टिकल है, वी विल लुक इन टू दैट. थर्ड इज इंडिया एब्सटेंस फ्रॉम ह्यूमन राइट्स काउंसिल वोट कॉलिंग गाजा सीज़फ़ायर. तो हमें ह्यूमन राइट्स कमीशन पर 2 बार जो है न्यूज़ देखने को मिला है. दैट्स वाई द इंस्टीट्यूशन इट्सेल्फ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू लुक इन टू दिस टॉपिक. ठीक है, सो फर्स्ट इज RBI keeps repo rate on hold as food prices remain high. तो अभी जो repo rate जो है कई महीनों से जो है वो चेंज नहीं किया, इट्स अराउंड 6.50%. ठीक है, सो ये जो है 7th time इन अ रो को ये सेम ही जो है आपका repo rate रखा गया. ठीक है, सो repo rate क्या होता है, repurchasing agreement भी इसको हम बोलते हैं. ठीक है, ठीक है, repurchasing agreement भी बोला जाता है इसको. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स मॉनिटरी पॉलिसी मेजर्स. ठीक है, 2 टाइप के पॉलिसी होते हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी इज़ हैंडल्ड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मॉनिटरी पॉलिसी ऑन द अदर हैंड इज हैंडल्ड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो हमारा मॉनिटरी पॉलिसी को जो है कंट्रोल करता है. मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इज मेड अप बाई अस, इट इज़ अ स्टैचुटरी बॉडी. वो 2016 में ये जो है बॉडी को बनाया गया था, जो भी मॉनिटरी पॉलिसी के जो भी डिसीजंस होते हैं, क्या हमारे रेपो रेट होगा, क्या हमारे रिवर्स रेपो रेट होगा, हमारे SDF क्या रहेगा, हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या रहेगा, करंट कैश रिजर्व रेशियो जो है वो क्या रहेगा, वो सब जो है मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी इट डिसाइड्स. ठीक है, तो ये इट्स अ 6-member बॉडी. ठीक है, इट्स 6-member बॉडी, 3 comes फ्रॉम द RBI एंड 3 comes फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो उसके बाद वो जो है डिसीजन लेते हैं RBI, ये मॉनिटरी पॉलिसी के चेयरपर्सन कौन है, द ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ RBI, वही जो है हमारे ही इज़ दी गवर्नर ऑफ RBI, नॉट चेयरमैन बट ऑनरेबल गवर्नर ऑफ RBI इज़ दी चेयरपर्सन एट दी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी. ठीक है, सो ये जो है डिसाइड करते हैं अगर देश में यू नो इकोनॉमी में इफ देर इज़ इन्फ्लेशन, सो दे ट्राई टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन बाई यू नो इवन बाई यू नो इफ needed they can suck in money or they can suck out money. So ये इस तरीके के जो measures है वो लिया जाता है by the monetary policy committee. ठीक है, so ये आपको जानना है, it's very important concept. ठीक है, so ये क्या है आपका liquidity adjustment facility जो है LAF बोलते हैं इसको, ये unchanged रहा है, it's 6.050. ठीक है, it's the repo rate जो है अभी तक इतना ही रखा गया. ठीक है, so टारगेट जो हमारा रेपो रेट है, रेपो रेट क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज चार्ज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हाइल लेंडिंग फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स. नाउ व्हाट हैपेंस इज दिस इज आर RBI. ठीक है, लेट्स से दिस इज RBI, सॉरी फॉर द पुअर ड्राइंग, लेट अस ड्रॉ अगेन. ठीक है, ये क्या है RBI. ठीक है, दिस इज RBI. नाउ RBI विल लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और लाइक पंजाब नेशनल बैंक, जो भी बैंक्स होते हैं उनको RBI जो है ये क्या करते हैं, दे RBI क्या करते हैं, ये इनको लेंड करते हैं. कौन से रेट पे लेंड करते हैं, रेपो रेट पे लेंड करते हैं. रेपो रेट जो अभी फिलहाल 6.50 है. ठीक है, 6.50% है. 6.50% से ये Bank 1, ये Bank 2 और ये Bank 3 इनको लेट्स से ये पैसा देते हैं. ठीक है, तो ये अगेन अब ये क्या करेंगे, जो जनरल कस्टमर है उनको ये आगे फर्दर जो है लोन प्रोवाइड करेंगे, लाइक पीपल लाइक यू एंड मी, हम लोगों को जो है ये फर्दर जो है लोन इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो ये अगर जितना ज़्यादा रहेगा, ये जो अगर रेपो रेट, अगर इफ़ Bank 1 इज टेकिंग मनी फ्रॉम RBI, ये रेपो रेट क्या है 6.50, तो वो अपना बीच का एक मार्जिन रख के, लेट से 2 या 3% मार्जिन जो है बैंक रख के हमें आगे कितने पे परसेंट में दे सकती है, मे बी लाइक 10% के इंटरेस्ट पे हमें वो लोन दे सकती है. सो अब क्या होगा कि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा है, वॉट इज़ द रीज़न कि हम रेपो रेट को इतना ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब जब लोगों के पास वेन वी हैव एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है. एक्स्ट्रा मनी टू स्पेंड, अगर हमारे पास क्या रहता है, एक्स्ट्रा मनी रहता है टू स्पेंड, अगर हम खर्चा करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा मनी रहता है, बट जो गुड्स है मार्केट में
वो गुड्स क्या है, लिमिटेड गुड्स है, ठीक है, लिमिटेड गुड्स है। अब क्या होगा, वो एक्स्ट्रा मनी इन जो फ्यू गुड्स है उसके पीछे चेस करेगी, राइट। सो अब उस एक्स्ट्रा मनी को सकआउट करने के लिए, मतलब लोगों के हाथों से पैसे को सकआउट करने के लिए, बिकॉज इन्फ्लेशन तभी होगा जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे होंगे, जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे होंगे तो वो लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, ज़्यादा खर्चा करेंगे तभी इस प्राइस का जो है, इस गुड्स का जो प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द थॉट कि अगर हम रेपो रेट बढ़ाएंगे तो हम इस एक्स्ट्रा मनी को सकआउट कर पाएंगे, ठीक है, इस एक्स्ट्रा मनी को हम सकआउट कर पाएंगे। सो ये एक्स्ट्रा मनी कैसे सकआउट करेगा, जब हम रेपो रेट बढ़ाएंगे, बैंक्स जो है फर्दर लोन जो है दैट विल बी थोड़ा सा ज़्यादा, लोन का अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या होगा कि हम जो नॉर्मल लोग हैं हम बैंक में लोन लेने को नहीं जाएंगे, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन रिडक्शन होगा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट एक चीज़ है जो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि हम खाना खाने के लिए या फिर खाने का सामान खरीदने के लिए, आलू प्याज खरीदने के लिए वी डोंट टेक लोन्स, ठीक है। हम जो है लोन जो है वो नहीं लेते हैं, हम आलू प्याज खरीदने के लिए वी डोंट टेक लोन, ठीक है। सो वो मेजर्स जो है वो हमें सप्लाई साइड को उतना पुश करना होगा, डिमांड साइड अगर क्रिएशन हो रहा है दैट मीन्स हम अगर डिमांड साइड शॉक है, आई मीन डिमांड साइड इज़ ओके बट सप्लाई साइड में शॉक है, तो हमें उस सप्लाई साइड के एंगल को हमें पुश करना होगा, ठीक है। सप्लाई साइड में लाइक रॉ मटेरियल्स लाइक हम अगर फूड की बात करते हैं, लेट्स से फूड की बात करते हैं, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा इंसेंटिवाइज करना होगा फार्मर्स को, ठीक है। मतलब वही अपस्ट्रीम, मिडिल स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम्स में जो एग्रीकल्चर रहता है, अगर हम थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में ही समझ रहे हैं, तो अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम में क्या होगा कि जैसे कि जो जितने भी इनपुट रहेंगे, जैसे फार्मर रहेगा, फिर क्या होगा हमारा लैंड होगा, सॉइल हो, ये क्या होगा अपस्ट्रीम में होगा, मतलब जहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जहाँ पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होंगे उस जगह पे भी हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा, इंसेंटिवाइज करना होगा फार्मर्स को, फर्टिलाइजर में सब्सिडी देना होगा, यू नो वी हैव टू हेल्प फार्मर्स, ठीक है। और पीएम कुसुम जैसे स्कीम्स को हमें चलाना होगा। मिड स्ट्रीम में जब फूड को प्रोसेस हम कर रहे हैं तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पर आ जाएगा, पूरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पर आ जाएगा, उनको हमें इंसेंटिवाइज करना है, फूड को हम कैसे उसका शेल्फ लाइफ इंक्रीज करें, कैसे हम उसका मार्केटिंग करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू यू नो मेक इट मोर एक्सेसिबल टू पीपल, तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पर आ जाती है। डाउन स्ट्रीम में जब हम उसको इंक्लूड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, मंडीज हो गए ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मतलब हम जब जहाँ पर बेचेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में हम क्या कर सकते हैं। सो ये तीनों स्ट्रीम्स को जो है मिला के हमें अगर फूड को कम करना है तो हमें इन तीनों स्ट्रीम्स को जो है एक साथ लेकर चलना होगा, और इधर में हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे, इधर में हमें कुछ इंसेंटिवाइज करना होगा ताकि फूड इन्फ्लेशन कम रहे। ऐसे अचानक आपको देखने को मिलेगा कि अनियन का प्राइस राइज हो गया, टमेटोज का प्राइस राइज हो गया, ये जो एंड पोटैटोस, ये पी ओ टी या फिर टी ओ पी जो भी आप बोलना चाहें, पोटैटोस, ये तीनों जो है हमारा स्टेपल फूड है, ठीक है, अनियन, पोटैटोज एंड टोमेटोज, और अगर इन तीनों में दाम बढ़ता है तो हमें जनरल प्राइस राइज देखने को मिलता है, ठीक है। सो इन तीनों को हमें कंट्रोल में लाना होगा फूड इन्फ्लेशन को कमाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, तीनों स्ट्रीम्स में हमें इक्वली फोकस करना होगा, तभी हम जो है फूड इन्फ्लेशन को कम करेंगे। और न्यूज़ में भी यही है कि फूड इन्फ्लेशन अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है, ओवरऑल इन्फ्लेशन कम है बट फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा अभी भी हाई है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा, जो मैं आपको समझाना चाहती थी यहाँ पर। रेपो के बारे में मैंने आपको समझा दिया, रेपो रेट कैसे काम करता है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, रेपो रेट क्या है, रीपर्चेजिंग ऑप्शन या फिर रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट होता है, ठीक है। सो लेंडिंग जो मतलब वो जिस परसेंटेज पे कमर्शियल बैंक दे टुक लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक, दैट इज़ द रेपो रेट, ठीक है। वी कैन मूव ऑन फर्दर, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, एस्केलेशन लेटर। तो यहाँ पर क्या आया है, ऐसा बोला जाता है कि अप्रैल 1 तारीख को ईरान में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, ठीक है, डमास्कस में एक बहुत बड़ा एक अटैक हुआ था। सो ये बोला जाता है कि डमास्कस में बहुत बड़ा अटैक हुआ था, इट वाज बाय द इजरायली फोर्स, ठीक है। ये मतलब ना इजराइल ना इसको कंफर्म कर रहा है ना ही डिनाई कर रहा है, ठीक है। ये जो अटैक हुआ है ना इजराइल इसको कंफर्म कर रहा है कि हमने किया है और ना ही डिनाई कर रहा है कि हमने ये नहीं किया। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर एस्केलेशन हो जाए बिटवीन इजराइल एंड ईरान, ठीक है। सो इजराइल और ईरान के बीच में यहाँ पर बहुत सारा चांसेस है कि इनके बीच में जो है जो कंटेस्ट जो चल रहा है इन दोनों के बीच में, यू नो, सो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए, ठीक है। सो यहाँ पर वही सेम बात लिखी गई है कि यहाँ पर ना इसराइल इसको इसराइल नीदर कन्फर्म्स द अटैक नॉट डिलाइड द क्लेम बिहाइंड सच अटैक्स बट इट इज़ एन ओपन सीक्रेट दैट इट हैज़ बीन कैरिंग आउट ऑपरेशन अक्रॉस द रीजन टारगेटिंग ईरानियन मिलिट्री एंड न्यूक्लियर फिगर्स, ठीक है। तो ये एक ओपन सीक्रेट है कि बोथ ईरान इज ऑल्सो अटैकिंग इसराइल एंड इसराइल इज ऑल्सो अटैकिंग ऑन ईरान, ठीक है। और उन्हें ईरान के मिलिट्री पे, ईरान के जितने भी यू नो पोस्ट्स है वहाँ पर इसराइल इज कंटिन्यूसली अटैकिंग एंड
एंड ईरान ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ हाउथीज ऑल्सो वो भी डायरेक्टली उनको अटैक कर रहे हैं. सो इट्स एन ओपन सीक्रेट बट दोनों कन्फर्म नहीं कर रहे. ईरान इज़ नॉट कन्फर्मिंग दैट बट इट्स एन ओपन सीक्रेट कि वो दोनों कर रहे हैं. यहाँ पर एक बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है कि अगर ये दोनों सिचुएशन एस्केलेट कर गया, अगर ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो वॉर जो है एस्केलेट कर गया, तो श्योरली पैलेस्टीन में जो इशूज़ चल रहे हैं वो तो बढ़ेंगे ही पड़ेंगे, साथ ही दुनिया भर में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी एंड यू नो देर विल बी अ डिस्टॉर्शन इन द ग्लोबल ऑर्डर. ठीक है, सो ग्लोबल ऑर्डर में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक टाइप का डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलेगा. दैट विल बी नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी. मूवमेंट इन रेड सी, मैं आप लोगों को अगर लोकेशन दिखाऊं तो ये क्या है, ये पिक्चर आपने पहले भी देखा होगा बहुत बार. दिस इज योर इजराइल. ठीक है, दिस येलो पार्ट इज योर इजराइल, दिस होल एंटायरिटी इज ऑफ योर ईरान. ठीक है, सो यहाँ से यहाँ पर रेड सी जो है ना, यहाँ पर येमेन में यहाँ पर बहुत सारे हाउथीज रहते हैं. ठीक है, हाउथीज आर रिबल ग्रुप. सो ईरान इज़ फंडिंग दिस हाउथी रेबल ग्रुप टू अटैक ऑन दी रेड सी. रेड सी पे बहुत सारे इसराइल के जो वेसल्स है वो मूव करते हैं. ठीक है, कार्गोज बहुत सारे यहाँ पे वेसल्स जो है ये मूव करते हैं. सो यहाँ पर इसकी वजह से क्या है, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है, इट्स इन कॉन्स्टेंट डिसऑर्डर. ठीक है, एक कॉन्स्टेंट डिसऑर्डर और एक कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट के जोन पे बना रहा है. ठीक है, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशूज़ जो है ये फेस करने वाले हैं. देखिए, अगर यहाँ मुंबई से अगर कोई पोर्ट जाना होगा तो हमें ये क्या है, बाबल मंदिर स्ट्रेट को क्रॉस करके फिर अगर हमें इसराइल ही कुछ सामान पहुँचाना है या फिर इसराइल से हमें कुछ खरीदना है, देन यही एक रूट है जो हम पकड़ सकते हैं. राइट, सो यहाँ पर क्योंकि इतना कांस्टेंट अटैक चल रहा है तो यहाँ पर जो मूवमेंट है इसमें हमें 70-80% रिडक्शन देखने को मिला है. 70-80% जो है रिडक्शन इन द रेड सी एरिया हमें देखने को मिला है एंड दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे वेसल्स जो है ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. ठीक है, सो इसके वजह से क्या होगा कि ये यहाँ पर मूवमेंट कम होगा, गुड्स का सप्लाई कम होगा, गुड्स का मूवमेंट भी बहुत कम होगा, देन ये इसके वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में एक शॉक टाइप आपको देखने को मिल सकता है. ठीक है, सो दैट्स द थिंग. और वी डोंट वांट वॉर. ठीक है, नो कंट्री वांट्स वॉर, बट यहाँ पर कुछ कुछ यू नो देर आर सर्टन रीजंस जहाँ जिसके वजह से जो है यू नो वॉर टेक्स प्लेस. सो वी शुड नॉट गो इन टू द पोलिटिकल डिटेल्स बट नोबडी वॉन्ट्स वॉर. राइट, किसी को भी ऐसा नहीं चाहिए कि यू नो ग्लोबल डिस्टॉर्शन हो, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, फूड का इन अवेलेबिलिटी इन द मार्केट, फर्टिलाइजर्स इन अवेलेबिलिटी इन द मार्केट. सो फर्टिलाइजर्स क्योंकि हमने काफ़ी हैवी यू नो आफ्टर द रशिया यूक्रेन वॉर हमने भी बहुत ज़्यादा अपने फार्मर्स को हेल्प करने के लिए वी हैड गिवन द फर्टिलाइजर सब्सिडी. बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जो है फर्टिलाइजर सब्सिडी दिया, इवन दो यू नो इंडिया इज़ वन ऑफ द सेल्फ सफिशियंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वेरी यू नो वेरी वेल ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, बट हमें भी ग्लोबल शॉक जो है वो इक्वली महसूस होता है. ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स हम रशिया से इंपोर्ट कराते थे, अब रशिया ने यू नो बिकॉज ऑफ ऑल द वॉर्स दैट वॉज हैपनिंग उसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस भी देखने को मिले. तो दैट्स द थिंग. ठीक है, एक एक जगह के यू नो डिस्टॉर्शन की वजह से दुनिया भर में डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलता है. ब्लैक सी से जितना भी यू नो गुड्स मूव करता था, जो देश उनके ऊपर डिपेंडेंट थे अब फॉर फूड, दे वर नॉट गेटिंग फूड. ठीक है, जो ह्यूमैनिटेरियन गुड्स जो थे जो जाते थे, अब नाउ दे वर नॉट मूविंग. इसकी वजह से दूसरे देशों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती थी. ठीक है, सो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर होने को बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसीलिए यहाँ पर एस्केलेट हो सकता है चीज़ें. ठीक है, सो याद रखिएगा ये क्या है, इसराइल यहाँ पर है और ईरान यहाँ पर है, और ईरान वैसे भी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ अटैक इन पाकिस्तान. ठीक है, सिस्तान बलोचिस्तान रीजन इफ़ यू रिमेंबर, ईरान ने जो है अटैक किया था, पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया था, सो दैट थिंग दैट्स वाई ईरान वॉज इन न्यूज़. ठीक है, सो आई होप आपको जो है ये टॉपिक जो है ये समझ आ गया होगा. वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़. इंडिया अब्सटेन्स फ्रॉम ह्यूमन राइट्स काउंसिल वोट कॉलिंग गाजा सीज़फ़ायर. ठीक है, सो इंडिया ने जो है अब्सटेन किया है, बट हमें जानना है ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में. ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है वो क्या है, मतलब हम ताकि लोग जो है डिग्निफाइड तरीके से रहे, उनका राइट्स को जो हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनके राइट्स को अगर हम प्रिजर्व करना चाहते हैं तो दिस बॉडी वर्क्स फॉर दैट थिंग ओनली. ठीक है, रिफ्यूजीज के राइट्स हो गए, जो भी यू नो जो भी प्रिजनर्स हो गए उनके राइट्स के बारे में बात करें. सिमिलर एक बॉडी इंडिया में भी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सो वो सिमिलर चीज़ें जो है वो करते हैं. ठीक है, सो जो आपके यूनाइटेड नेशन का एक सिस्टर बॉडी है, दैट इज आपका यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ठीक है, UNHRC ह्यूमन राइट्स काउंसिल. ये क्या है, ये क्या है, इस्टेब्लिश कब किया गया था, 2006 में. किस लिए, प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड.
सारे दुनिया भर में जितना सबका जो है प्रोटेक्ट राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था, ठीक है। सो ये कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सो ये क्या है, 47 मेंबर्स का ये जो है एक बॉडी है, 47 मेंबर्स का, ठीक है। और ये क्या कहाँ से इलेक्ट होते हैं, यूएन जनरल असेंबली, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली से इनको हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो यूएन जनरल असेंबली में 195 कंट्रीज़ है और 195 कंट्रीज़ जो है ये इसके उसमें से है, 47 कंट्रीज जो है फॉर थ्री ईयर्स जो ये मेंबरशिप उनको मिलता है, ठीक है। सो बहुत सारे जो है इसमें ज्योग्राफिकल जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको अभी मैं दिखाऊंगी, वहाँ पर लिखा रहेगा लाइक दिस, ठीक है। जैसे अगर देखें अफ्रीका नेशन से 13 कंट्रीज है, एशिया से 13 नेशन है, 6 जो है ईस्टर्न यूरोप से आते हैं, मतलब ज्योग्राफिकली डिफरेंट कंट्रीज जो है इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, 8 कम्स फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन एंड 7 फ्रॉम वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप, ठीक है। सो इस तरीके से जो है ज्योग्राफिकल डिविजन जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सो 47 मेंबर्स का जो है ये बॉडी है एंड जो है 3 ईयर्स के लिए ये इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और आप जो है आप सीट ऑक्यूपाई कर सकते हैं बट नॉट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब आपने जैसे इस टर्म पे आप 3 ईयर्स के लिए बैठे, फिर अगले टर्म्स के लिए आप 3 ईयर्स के लिए बैठ सकते हैं, मतलब एक रो में आप 6 ईयर्स के लिए बैठ सकते हैं बट 6 ईयर के बाद नेक्स्ट टाइम आप नहीं बैठ सकते एज दी मेंबर ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। सो उसके लिए आपको वेट करना होगा, मतलब आप 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक जो है 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स तक जो है आप ये इस पोजिशन को होल्ड कर सकते हैं, 47 कंट्रीज में आप काउंट हो सकते हैं, बट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद आप नहीं कर सकते, इमीडिएटली नहीं कर सकते। मे भी ऐसा हो सकता है कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बाद एक टर्म नहीं आए फॉर 3 ईयर्स एंड देन यू कैन कम एंड सिट फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। सो कंसेक्यूटिवली आप 2 बार, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स में अगर हम देखें तो 2 बार बैठ सकते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, यू कैन बी द यू नो रिप्रेजेंटेटिव, बट उसके बाद 6 साल के बाद फिर आपको वो पोस्ट जो है छोड़ना होगा एंड देन यू कैन कम बैक वंस अगेन, ठीक है। सो 3 ईयर्स के लिए होता है एंड नॉट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद यू नो यू कैन नॉट बी अ मेंबर, ठीक है। मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया, दैट्स द थिंग कि आप जो है कंसेक्यूटिवली 2 बार जो है यू कैन बी द मेंबर, बट उसके बाद 3rd टाइम पे आपको छोड़ना होगा एंड देन यू कैन अगेन कम बैक, ठीक है। सो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं ये 2/3 मेजॉरिटी के अनुसार जो है ये लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया ने जो है अभी फिलहाल एब्सटेन किया है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.